कोरोना के समय राजनेता लोग कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये आप अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट जिसमें उन्होंने सिंगापुर स्ट्रेन कोरोना वायरस रिलेटेड उन्होंने जो ट्वीट किया था उससे आप अच्छे से समझ सकते हो। और उसके बाद उन्हें ये सुनना पड़ गया था कि भैया वो कोई नहीं होते भारत की तरफ से बात करने वाले। तो आज के इस वीडियो में इसी विषय के बारे में बात करने वाले और कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम इसके बारे में समझने वाले कि जो बात बोली गई है वो क्या सही है और गलत है। तो शुरुआत होती है 18 मई के ट्वीट से जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकते हैं। केंद्र सरकार से मेरी अपील है सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। सीएम है, अपनी एक राय दे सकते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने जो सिंगापुर स्ट्रेन जो यूज किया फोन नहीं करना चाहिए था। सारा विवाद इस सिंगापुर स्ट्रेन से स्टार्ट हो जाता है। इस ट्वीट के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने एक और ट्वीट जो है वो शेयर किया जिसमें उन्होंने एक लिंक शेयर किया, एक न्यूज का लिंक शेयर किया। वो न्यूज का लिंक था एनडीटीवी का और उस एनडीटीवी के लिंक मतलब उस न्यूज में बताया गया था कि सिंगापुर वॉन्ट्स न्यू वायरस स्ट्रेन इन्फेक्टिंग मोर चिल्ड्रन शट्स स्कूल। जो वहां पर ये जो न्यूज थी इसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने ये ट्वीट कर दिया था। और सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर जो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया जिस स्ट्रेन के बारे में उन्होंने बताया कि जिसकी वजह से वायरस जो है वो तीसरी लहर आने वाली है वो है B.1.617 और इसके बारे में बताऊं तो ये सबसे पहले भारत में ही आया था, इसके बाद ये दूसरे देशों में गया है। इवन ये जो B.1.617 जो है ये तकरीबन 44 देशों में जा चुका है। अरविंद केजरीवाल जी का बस इतना ही ट्वीट करना था और इसके बाद ट्वीट की बरसात होनी शुरू हो जाती है। यहां पर जो भारत में सिंगापुर के जो एंबेसडर हैं उन्होंने ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए, उन्होंने कहा कि इनके जो ट्वीट में कोई भी सत्यता नहीं है। कोविड स्ट्रेन को लेकर जो उन्होंने कोविड स्ट्रेन बताया है सिंगापुर का B.1.617.2 जो इन्होंने यहां पर जो वेरिएंट बताया है ये कोविड स्ट्रेन जो है वो भारत में ही पाया गया था, ये अब जो है वो सिंगापुर में पाया जा रहा है। और इनके ट्वीट के बाद फिर एक और ट्वीट आता है विवियन बालकृष्ण जो सिंगापुर के विदेश मंत्री है, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा पॉलिटिशियन शुड स्टिक टू फैक्ट। पॉलिटिशियन को अपने फैक्ट के साथ मतलब ये पुख्ता कर लेना चाहिए कि जो वो बात बोल रहे हैं वो सही है नहीं है। देयर इज नो सिंगापुर वेरिएंट, यहां पर कोई भी सिंगापुर वेरिएंट नहीं है। और इस ट्वीट के साथ ही इन्होंने एक लिंक जो है वो शेयर कर दिया, जो ये लिंक था वो किसी न्यूज़पेपर का लिंक नहीं था बल्कि ये जो लिंक था एक रिसर्च पेपर नेचर रिसर्च पेपर का लिंक था जिसके अंदर बताया गया था ना वायरस वेरिएंट आर स्प्रेडिंग इन इंडिया व्हाट साइंटिस्ट्स नो सो फार। मतलब ये जो यहां पर है B.1.617 वो ऑलरेडी जो है वो इंडिया में ही पाया गया था सबसे पहले। ये सब होने के बाद सिंगापुर गवर्नमेंट ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की जिसमें इन्होंने बताया प्रमुख पॉलिटिकल फिगर ने जो अपनी बात बोली वो उसको साबित करने में फेल होते हैं और उन्होंने भारत के हाई कमिश्नर को बुलावा भेजा और उनसे पूछा कि ये जो बात बोली गई है उसके बारे में आके हमें सफाई दीजिए। और फिर अरिंदम बागची का ट्वीट आता है, उन्होंने उसमें कहा कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने हाई कमिश्नर को बुलावा भेजा है और उनसे पूछा गया है कि ये जो सिंगापुर वेरिएंट करके जो कमेंट किया गया है इसमें क्या आपका कहना है। और हाई कमिश्नर यहां पर बात बोली है कि ये जो बात बोली गई है सीएम के द्वारा अरविंद केजरीवाल वो कोई नहीं होते भारत की तरफ से बात करने वाले। इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने बुलाया, सिंगापुर गवर्नमेंट ने जाते ही उनसे पूछा हाई कमिश्नर से कि भाई ये कौन है जिन्होंने ये बात बोली है। तो हाई कमिश्नर ने यानी भारत सरकार ने कहा कि कोई नहीं है ये इंसान जिसने ये बात बोली, आप इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। और ये देखिए कितनी बड़ी बात होगी कि अब विदेश मंत्रालय जो है वो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। यहां पर सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दी, हाई कमिश्नर को बुलावा भेज दिया। पर अरिंदम बागची जी के ट्वीट के बाद डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने अपनी तरफ से एक और ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि सिंगापुर और इंडिया के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं जो इन्होंने फाइट किए COVID-19 से रिलेटेड, और वो अप्रिशिएट करते हैं कि सिंगापुर का जो रोल रहा है लॉजिस्टिक हब एंड ऑक्सीजन सप्लायर के अंदर। Their gesture of deploying military aircraft to help us speak for our exceptional relationship. यहाँ पर मैं बता दूं कि सिंगापुर फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में भेजे थे सबसे पहले, जिसके अंदर 256 ऑक्सीजन सिलेंडर जो थे वो भारत की हेल्प के लिए सबसे पहले भेजे गए थे सिंगापुर की तरफ से। और सिंगापुर की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उन्होंने $3.2 million जो है वो डोनेट किए थे भारत को, उन्होंने वहां पर सिंगापुर में हेल्प मांगी थी, उन्होंने रेज किए
इतनी इतनी अमाउंट रेज की और ये सारी की सारी भारत की हेल्प के लिए उन्होंने दान कर दी। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद के एक ट्वीट के बाद उन्होंने फिर से एक और ट्वीट किया जिनमें उन्होंने कहा कि ये जो इररिस्पॉन्सिबल जो कमेंट किया गया इनको सोच लेना चाहिए कि पार्टनरशिप के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं ये क्लियर कर देता हूं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं होते, कोई नहीं होते भारत के विषय में बोलने वाले। इतना सब हो गया क्या चीफ मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया? इनके बदले जवाब देना है मनीष सिसोदिया जिन्होंने कहा सेंटर वॉरिड अबाउट इट्स इमेज, वी आर वॉरिड अबाउट आवर चिल्ड्रन, कि भाई सेंटर जो है अपनी इमेज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित और हम अपने बच्चों को लेकर ज्यादा चिंतित है। और ये बात भी सही है कि भाई हम सरकार में जब चुना गया है तो हम जनता के लिए हम चिंतित हों। और जो सरकार की अगर भारत सरकार की तरफ देखें तो ये भी बिल्कुल सही लगते हैं कि जिस सिंगापुर जिन्होंने इतनी हेल्प की सबसे पहले वो सामने आए। और FDI के मामले में बात करूं तो टॉप कंट्री में से एक है सिंगापुर जहां से FDI आती है भारत को। और जो 2005 में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जिस जून 2005 में हुआ था, एक बहुत बढ़िया एग्रीमेंट था जिसके चलते हुए भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी रिलेशन खराब हो रहे हैं उनको वो ठीक करें। जो मनीष सिसोदिया जी ने अब जो बयान दिया उसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को 51 आर्टिकल समझा देता हूं जिसके तहत ये कहा गया है कि राज्य, ये हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में लाए हैं, यहां पर राज्य का मतलब कोई हमारे देश के राज्य जो 28 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे रिलेटेड नहीं है, यहां पर राज्य की बात हो रही है भारत सरकार से। कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आधार बढ़ाने का, और अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्य स्मत द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इसका मतलब कि भारत सरकार जो है उनके कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अंतरराष्ट्रीय मामलों के बीच या फिर दो राष्ट्रों के बीच या बहुत सारे राष्ट्रों के बीच शांति बनाए रखेगा, अपने संबंधों में सुधार करेगा। और इस चीज को ये कहना कि वो तो एक इमेज मेकिंग का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात है कि वो पॉलिटिकल रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो यहां पर चला रहे हैं। जब बाहर से FDI आती है तो हम बहुत खुश होते हैं कि देश में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और लेकिन अगर बाहर के देशों पर ऐसा कमेंट कर दिया जाता है फिर वहां पर भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय सरकार वहां पर अपने संबंधों को सुधारने के लिए कोशिश करती है और फिर यह बोलना कि वो तो अपनी इमेज मेकिंग का काम कर रहे हैं, तो इससे तो आप समझ सकते हैं कि वो कहां पर वो बात जा रही है। और एक उच्च पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे बचकाने बयान देता है तो लोगों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे देश की जनता वो इंटरनेशनल मामलों पर इतना ध्यान नहीं देती है कि इससे जो है वो कितना फर्क पड़ेगा इंटरनेशनल मामलों के ऊपर, वो बस उनके बयान में आकर सोशल मीडिया पर उसी को शेयर करने लग जाते हैं, वही गालियां वही हेट फैलाने वो लग जाते हैं। जनता को तो नहीं पता लेकिन ये इन जितने भी जो इतने उच्च पदों पर बैठे हैं व्यक्ति इनको तो अच्छे से पता है कि इंटरनेशनल मामलों के ऊपर इनका कोई हक नहीं बनता कि ये बोलें भारत की तरफ से। साथ ही साथ ये बात लोगों को भी समझने की जरूरी है कि वो ऐसे ट्वीट को ना तो वो रीट्वीट करें, ना ही इस चीज को वो शेयर करें, ना ही इस चीज को लेकर वो हेट फैलाएं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एट द एंड हम ही इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे लेकिन भारत की छवि खराब करने में इन्हीं का हाथ हो जाता है। और अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि यार जो उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर कि भाई उनकी वैक्सीन के प्रबंध किया जाए तो उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं। US ने जो है वो 600,000 वैक्सीनेट कर दिए हैं 12 से लेकर 15 साल के बच्चों को। ये आप US से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि US ने स्टार्ट कर दिया और भारत में भी स्टार्ट होने वाला है, कोवैक्सीन ट्रायल जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं 2 से लेकर 18 बच्चों के लिए 10 से 15 दिन में, जो ये बात जो है वो गवर्नमेंट ने बोल रही है। और 20 बच्चों के ऊपर जाइडस कैडिलाक ने ये ऑलरेडी ट्रायल शुरू कर चुका है, वो कर दिया है उन्होंने वो कर्नाटका के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। और इन्होंने अभी 10 कंपनियों के ऊपर मतलब 10 कंपनियों को लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए कह दिया, जो बायोटेक जो है वो जिस फॉर्मूले का यूज करती है गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया कि 10 कंपनियों को आप जो वो फॉर्मूला बायोटेक यूज कर रही है आप उस चीज का यूज करते हुए आप भी वैक्सीन बनाइए ताकि यहां पर जितनी भी पूर्ति है जितनी भी कमी है वो उस चीज की वो पूरा कर सके। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।